नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एचबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर में उधारी के पैसे मांगने को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान खुलवाई तो वहां पर युवक का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। गुस्साई भीड़ ने दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस किसी तरह से उसे बचाकर थाने ले आई, इसके बाद भीड़ ने मौके पर जाम लगा दिया। दरअसल पूरा मामला चांदपुर नगर के मोहल्ला गोकुल नगर का है, जहां संजय सैनी का पुत्र अंकित का उसके ही मकान के पास मुकेश ठाकुर पर रुपए उधार थे। मुकेश की बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। बीती शाम अंकित मुकेश की दुकान पर रुपए मांगने गया था, लेकिन उसके बाद से लापता हो गया। देर शाम परिजन मुकेश की दुकान पर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने देर शाम मुकेश को बुलाकर दुकान खुलवाई तो वहां अंकित का खून से लथपथ पड़ा मिला। गुस्साई भीड़ ने मुकेश पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। पुलिस घायल मुकेश को वहां से उठाकर अस्पताल ले गई। मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान से शव निकलवाकर कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात गुस्साई परिजनों ने कोतवाली चौराहे पर भी जाम लगा दिया, जिससे एसपी ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी के आश्वासन पर जाम को खोला गया। जाम के दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव ने जानकारी देते हुए बताया, आज देर शाम को चांदपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि अंकित नामक एक युवक की डेड बॉडी मुकेश की दुकान में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अंकित के परिजनों को सूचना दी गई। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मुकेश को हिरासत में लिया गया। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि उसका मृतक अंकित के साथ पैसों का लेन देन था, इसी कारण उसने अंकित को अपनी दुकान पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।